के बीच नरेंद्र पंप कहते हैं, अरे भीख तो सरकार से तू मांगता है मंत्री पद की, अगर ये बाबा साहब ने तुझे संविधान नहीं दिया होता तो बेशरम तू आज मंत्री नहीं होता। आज तू जो ताकत पे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर छत्रपति शिवाजी महाराजांचा, छत्रपति शिवाजी महाराजांचा क्रांति सूर्य ज्योतिबा महात्मा फुल्यांचा, क्रांति सूर्य ज्योतिबा महात्मा फुल्यांचा, राजश्री शाहू महाराजांचा, राजश्री शाहू महाराजांचा, अण्णा भाऊ साठेंचा। कितना दिन तक ये बाबा साहब के बच्चे चुप रहेंगे? इस बाबा साहब के बच्चे चुप नहीं रहेंगे। अभी समय आ गया मित्रों, रस्ते पे तो हम लोग उतर गए, आज का छठवां दिन है, हमारी माता बहने आज रोड पे बैठी है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, पर हम लड़ने वाले लोग है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। आज ये झोपट पट्टी के ये हम लड़ेंगे और दिलो जान से लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मुझे कभी कभी आज भीमनगर में सबसे दुर्दैवी बात है, आज भीमनगर को टूट के 23 साल हो गया और भीमनगर में 70-80 सिलेंडर फूट गए थे, तब ये झोपड़पट्टी में आग लगी थी, उसको 7 साल पूरे हो के आज 8वां साल हो गया। आज इस भारत देश में जो हम भारत देश के हम नागरिक कहते, जो बाबा साहब ने हमें संविधानिक अधिकार दिए, आज इस भारत देश में हमारे माता बहनी को आज शौचालय के लिए जगह नहीं है। आज भी हमारी माता बहनें उगड़े पे शौच में बैठती है, आज हमें शर्म आती है। सर कितने साल हो गए टूटे ये सब, जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था आज? आज 23 साल हो गए, इस शासन ने मिल के वन विभाग घोषित किया था, हमारे पूर्वज यहाँ पर रहते थे, हमको यहाँ पर आज 50 साल हो गया रहकर, 50 साल से हम यहाँ पर रहते और 23 साल हो गया टूट के, और सिलेंडर का ब्लास्ट 70-80 सिलेंडर फूटे थे, तब यहाँ पर एक भीषण आग लगी थी, 6 दिसंबर को हमारे लोग यहाँ पर आए थे, आज 7 दिसंबर को आग लगी थी, तब ये 8वां साल चालू हो गया। सर आपको आश्वासन दिया गया था, क्या आश्वासन दिया गया था? जब आग लगी थी तब हमें आश्वासन दिया गया था कि एक हफ्ते के अंदर आपका पुनर्वसन करेंगे, 15 दिन के अंदर आपका पुनर्वसन करेंगे, और आज 8 साल हो गया पूरा, यहाँ पर हमको देखने वाला कोई नहीं है। आज हमारी मांगे सरकार से ये है कि यहाँ पर आके अगर आपने फॉरेस्ट डिक्लेयर किया है तो आप यहाँ आकर हमको बताइए कि आपकी ज़मीन कहाँ पर तक है। यहाँ पर लोखंड वाला चलता है, बाजू में महिंद्रा कंपाउंड चलती है, बाजू में जानू पड़ा है, बाजू में फरीदी स्टेड है, वो सब चलता है, लेकिन हमारे लोगों को बेघर कर दिया गया है।